नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। लोक गायक वीरेंद्र कुमार, आज क्या प्रोग्राम, क्या जनता बता रहे हैं? ये मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाए जाने वाले जो 7 टीके हैं, ये बच्चों में जो बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियों से लड़ने के विषय में बताया जा रहा है कि ये टीके नहीं लगेंगे तो बच्चों को काली खांसी, पोलियो, हिप्टीथीरिया और तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। यही मिशन इंद्रधनुष के तहत, जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम लोग जा करके गांव-गांव में बच्चों को, लोगों को यही शिक्षा देते हैं, जानकारी देते हैं। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसके बाद जी? ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाह रहे? गाँव वालों को यही संदेश देना हमारा फर्ज है कि आप लोग समय समय से बच्चों का टीकाकरण जरूर करावें। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, बहुत लोग कहते हैं कि उसको हमने टीका लगवाया, बुखार हो गया, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अस्पताल से सारे निराकरण मिलेंगे और जन्म से लेकर के और 5 साल तक 7 टीके लगवाने बहुत ज़रूरी है, यही जनता। अभी तक कितने गाँवों आपने प्रोग्राम किया? आज ये बात मैंने पहले गाँव में कार्यक्रम कर रहा हूँ, आगरा के इस ब्लॉक में। लखनऊ से आए आप? जी हाँ। ओ जीवन में लाना है, ओ जीवन में लाना है, जीवन में लाना है, जीवन में लाना है, मिशन इंद्रधनुष के साथ जीवन में लाना है, मिशन इंद्रधनुष के साथ। आप सभी लोग टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें, समय समय से अपने बच्चों को टीका लगवाएं और जब हमारी बहू हमारे घर में आती है उसकी देख रेख पहले कि हमारी बहू माँ बनने के लायक है कि नहीं है, शरीर में कोई कमी तो नहीं है, उसको आप लोग जरूर निदान करें। ये सारी सुविधाएँ, आप एक टीका लगवाने जाएंगे प्राइवेट में तो 1400-1500 रुपये लगता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री टीके लगते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।